हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है, सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा, बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही। कुकू की मम्मा कबूतर के पास जाती है जो जंगल में बढ़ ही था और पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। कबूतर भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही हैं। 20 रुपए तो बहुत कम हैं। इतने में मैं आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम चिड़िया के घर की छत की मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन, ये लें 20 रुपए और अपने पति से कहें मेरे घर का काम अच्छे से कर दें। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है, ये बहुत कुछ कर सकता है, क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति? तुम्हें किस लिए चाहिए, बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। लूसी, क्या पागल हो गई हो, 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी, हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में। पति जी, वो जो लकड़ी खराब है वो कई बरसों से पड़ी है, आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। मूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है, वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है।
कालू जी वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो के सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई लेकिन चार चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। लालची गीदड़। एक समय की बात है, तीन चूहे भाई एक गुफा में रहते थे। एक शिकारी रोज उस गुफा के बाहर खाना खाया करता था और चूहों के लिए भी खाना लाता था। चूहों को वो शिकारी बहुत पसंद था क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए भोजन जो मिल जाया करता था। एक दिन शिकारी चूहों के पास नहीं आया और चूहे डर गए। ये क्या, शिकारी आज क्यों नहीं आया? मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो बहुत अच्छा है, खुद भी खाता है और हमारे लिए भी भोजन छोड़ जाता है। बहुत दिन बीत गए पर शिकारी नहीं आया। चिड़िया जल्दी जाओ, जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही? मैं अभी जाती हूँ कालू भैया।